जिन दो टूल का जिक्र किया गया है एम एफ ई प्राइमर उसका वर्जन थ्री पॉइंट वन इस वक्त स्क्रीन पे है इट्स अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर टू बी यूज इट्स एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसमें ये जो फर्स्ट है ये जो क्यूरिटी बॉक्स है यहाँ पे आपने सीक्वेंस को पेस्ट करना है ये वो फीचर हैं राइट साइड पे जिन फीचर्स को ये सॉफ्टवेयर ये टूल एनालाइज करके आउटपुट की फॉर्म में आपको देगा सीक्वेंस पेश करने के बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना है कुछ पैरामीटर्स को आपने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि बॉक्स में आपने उलिय उसके सीक्वेंस को आपने पेश करना है इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आप जो सीक्वेंस यहाँ पर पेस्ट करेंगे दैट शुड बी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम लेफ्ट साइड पर और थ्री प्राइम राइट साइड पर प्रस पे करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर के जो ओलीगो है ये किस जीनोम से लिया गया और कौन सी असेंबली है होमोसेपियन एच जी नाइनटीन और बाकी के ऑप्शंस को जितने भी ऑप्शन इनको बाय डिफॉल्ट छोड़ दें अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं तो उनको आप सेट कर सकते हैं अदरवाइज इनको आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दें मेजरली यही पैरामीटर्स यूज होते हैं देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन रन एंड यू विल सी कि यहाँ प्रोग्रेस बार शो हो रहा होगा प्रोग्रेसिंग शो हो रही होगी और जब ये डन हो जाएगा तो यहाँ पे वो टास्क बार जो है वो ग्रीन कलर डन में चेंज हो जाएगा तो हेर यू कैन सी द आउटपुट प्राइमर लिस्ट पी वन चूंकि हमने एक ही सीक्वेंस पेस्ट किया था तो पी वन ये वो सीक्वेंस था जो हमने पेस्ट किया था जिस तरह मैंने कहा था कि ये अंडरस्टूड है कि जो सीक्वेंस हम पेस्ट करते हैं वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होता है यानी लेफ़्ट पे 5 uh, prime or right with 3 prime. Size is base is uh, primer car 19 base pair. GC content 57.89 percent. Melting temperature is primer car 60.21. This one is the free energy and the other parameters, the other things. The important thing is to look at whether the primer is going to make any hairpin like structure. र पिन एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज वोइंगी प्राइमर डायमर यानी क्या प्राइमर अपने साथ खुद को डायमर बना रहा है या प्राइमर खुद ही हेयर पिन लाइक -like स्ट्रक्चर बना रहा है या अपने साथ ही खुद कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा और इसके अलावा प्राइमरी कॉम्प्लीमेंटेलिटी ऑन किन किन लोकेशंस पे हैं तो ये डिफरेंट प्रडिक्शंस आई हुई हैं चूंकि ये उलीगो स्मॉल साइज का होता है तो ये अमूमा प्रोबेबिलिटीज ये होती हैं कि ये सिमिलर सीक्वेंस बाकी जीनों के साथ भी आपको नज़र आएगा बार इस चीज़ को इन को पी के थ्रू क्लियर किया जा सकता है तो ये वो रीजनस हैं जिन जिन के साथ इस प्राइमर की ओलीगो की आ, थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंटेशन जो शो हो रही हैं और ये वो फिजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन शो हो रही हैं कि जो प्रायमर ओलिगो हमने पेस्ट किया था सीक्वेंस उसकी किन किन न्यूक्लियोसाइड के साथ किन किन पोजिशन के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है सेकेंड टूल सेकेंड सॉफ्टवेयर यूज होता है फॉर ओलीगो एनालिसिस इज़ यूरोफिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ओलीगो एनालिसिस टूल आई डी टी के हैं कुछ सब्सक्राइब हैं कुछ फ्री अवेलेबल हैं तमाम यूज़ किए जा सकते हैं सो दिस वन इज़ द सेकेंड वन ओलीगो एनालिसिस टूल दिस मन इज द होम पेज ऑफ द यूरोपिन ओलीगो स्टूल यहाँ से आपने सबसे पहले टाइप ऑफ द ओलीगो कन्फर्म करना है कि वेदर इट इज़ डी एन एंड आर एन ए नेम स्पेसीफाई करना है फॉर एग्जाम्पल इन टू के लिए है ये सीक्वेंस यहाँ आपने पेस्ट करना है एज आई डिस्क्राइब अर्लियर कि यह अंडर स्टूल है कि जो सीक्वेंस आप पेस्ट करते हैं देट इज़ आल स्टार फ्राम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम लेफ्ट साइड और थ्री प्राइम राइट साइड पे जब सीक्वेंस पेस कर लेते हैं आप उसके बाद देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शन सिंपल प्रॉपर्टीज़ अगर आपने कैलकुलेट करनी है इस प्राइमर की कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई uh, हो गई हैं कि लेंथ नाइनटीन मर है और वेट ये है बाकी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अगर सिंपल प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी है तो सिंपल यहाँ पे आपने कैलकुलेट यानी सेलेक्ट कर लेना है प्रॉपर्टी और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है ऑडी कैलकुलेशन है डायलूशन कैलकुलेशन है स्टॉक बनाना है और डायलूशन बनानी है तो फिर आपने इन इन पैरामीटर्स पे जाके यूँ क्लिक करना है सेल्फ डायमर चेक करना है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिन जिन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बटन एनालाइज का आएगा आपने उन पर क्लिक करते जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉपर्टी से तो सिंपल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर चुके हैं पैरामीटर्स सीक्वेंस भी पेश कर चुके हैं सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है कैलकुलेट और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं कैलकुलेट हो जाएंगी ये वो ओरिजिनल सीक्वेंस था नीचे इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रिवर्स कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस गिवन है ये इसका सिंपल रिवर्स सीक्वेंस है <coughs> उसके बाद बेस कंपोजिशन एडिनिन कितने हैं साइटोसिन कितने हैं गुआनिन कितने हैं यानी थायमीन कितने हैं और योरसिल यहाँ पे कोई नहीं जी सी मेल्टिंग टम्परेचर तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्फ़ डैमर चेक करना सेल्फ डैमर पे सीक्वेंस यहाँ पे ऑलरेडी पेश रहेगा सिंपल आपने यहाँ से मेन्यू बार में आके मेन्यू चेंज कर लेना सेल्फ डैमर चेक यहाँ पे क्लिक कर लेना जी तो यहाँ पे रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये प्राइमर जो है ये आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और यहाँ पे ये गिवन स्कोर भी है मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्कोर एट और इसका भी एट है